नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। एलओसी पर भारत ने पाकिस्तान के 6 सैनिक मार गिराए हैं। नौशेरा समेत कई स्थानों पर पाक ने सीज़फ़ायर वायलेशन किया है, सीज़फ़ायर उल्लंघन किया है। सीज़फ़ायर तोड़ने पर भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई सामने आई। आपको बता दें, भारत की गोलीबारी से पाकिस्तान सेना में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की गोली से भारत का एक जवान शहीद हुआ है, जिस पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 6 पाक सैनिकों का ढेर किया है। भारत की गोलीबारी से पाकिस्तान सेना में हड़कंप मचा हुआ है। पाक की ओर से फायरिंग में भारत का एक जवान शहीद हुआ है। यूएनएससी में मुंह की खाने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और इसी के तहत आज पाकिस्तान ने 3 जगह सीज़फ़ायर का वायलेशन किया है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने 6 पाक सैनिकों को ढेर किया है। सीज़फ़ायर तोड़ते पर भारत की कड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सामने आ रही है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में भारत का एक जवान शहीद हो गया है। सुबह से ही आपने देखा होगा किस तरह पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर सीज़फ़ायर वायलेशन किया था, जिसके बाद भारत का एक जवान शहीद हो गया। नौशेरा समेत कई जगह पाकिस्तान ने सीज़फ़ायर तोड़ा है। सीज़फ़ायर तोड़ने पर भारत की कड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। भारत ने गोलीबारी से पाकिस्तान सेना में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अजय का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पर भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें हो रही थी, और खासतौर पे कल रात की बात करें जब पाकिस्तान यूएनएससी में फेल हो गया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी। पहले पुंछ में हुई, उसके बाद नौशेरा और सुंदरबनी में, मगर सुबह जब तेज फायरिंग की गई जिसमें भारतीय सेना के एक जवान जब शहीद हुए, उसके बाद तुरंत जो है भारतीय सेना ने भी जवाबी कड़ी कार्रवाई की और उसमें पाकिस्तान के कई बंकरों को तबाह किया है। आप विजुअल देखेंगे तो इसमें साफ दिखता है कि किस तरह से पाकिस्तान के बंकर जो है वो निस्तोनाबूद कर दिए गए हैं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में। जानकारियां ये भी है कि पाकिस्तान को भारी जो है सैनिक नुकसान भी हुआ है इस जवाबी कार्रवाई में, और पिछले अगर देखें तो लगातार कम से कम 10 से 15 दिनों से पाकिस्तान यही हालात जो है सीमा पर बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की यही थी कि सीमाओं पर और एलओसी के इलाके में तनाव पैदा किया जा सके, ताकि वो यहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो ये बता सके कि हम विक्टिम है, कश्मीर के लोगों को बता सके कि हम उनके साथ खड़े हैं। मगर यकीनन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लोगों की हत्याएं और कश्मीर के लोगों का खून बहाने में लगा हुआ है। और अगर एलओसी पर पाकिस्तान ने यह कार्रवाई अगर दोबारा की तो पाकिस्तान को इसी तरह से जो है मात दी जाएगी, यह साफ कर दिया गया है। अजय, कल भी आपने देखा था जिस तरह यूएनएससी में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने यह पूछा था अकबरुद्दीन से, उसके बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतें खत्म नहीं हो रही। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये दो तस्वीरें देखिए, दो अहम तस्वीरें, भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भारत की जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान के 6 सैनिकों को मार गिराया गया है। यूएनएससी में मुंह की खाने के बावजूद भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। आपने देखा किस तरह सुबह से ही सीज़फ़ायर वायलेशन की खबरें पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही है। पाकिस्तान के बंकर भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। यह दूसरी तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं बहुत अहम तस्वीर है, पाकिस्तान के 6 सैनिकों को मार गिराया है, पाकिस्तान के बंकर को भी तबाह कर दिया गया है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। यूएनएससी में मुंह की खाने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सुबह से ही सीज़फ़ायर वायलेशन कर रहा है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान नापाक हरकतों पर उतर आया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से 3 जगह पर सीज़फ़ायर तोड़ा गया। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। नौशेरा में सेना के बंकर से ताजा हालात के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल। यूएनएससी में कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान की करारी हार के बाद पाकिस्तान एक बार फिर बौखला गया है और एलओसी पर जो है फायरिंग शुरू कर दी है। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे हैं। आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीती रात के बाद जो है वो हलचलें तेज हो गई हैं और बीएसएफ के जवानों को जो है अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है नौशेरा और जो पुंछ सेक्टर पड़ता है उसके मनकोट और कृष्णा घाटी इलाके
में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और इसी युद्ध विराम के उल्लंघन में जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुसपैठियों को घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहा है। नौशेरा सेक्टर में भी इसी तरह से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। आप देखेंगे हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और ठीक सामने पाकिस्तान की एक पोस्ट है और आपको बता दूं पाकिस्तान जो है इन्हीं पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना की जो पोस्टें हैं उन पर जो है आतंकियों को पनाह देता है और यही जानकारियां इस वक्त पुख्ता हैं कि इन्हीं पाकिस्तान की पोस्टों पर जो है बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी है, चाहे वो कठुआ के पहाड़पुर और उसके सामने का इलाका हो, इन सभी जो है इलाकों में, इसके अलावा रामगढ़ के अपोजिट और खासतौर पे जो प्रगवाल सेक्टर पड़ता है, इन इलाकों में पाकिस्तानी जो पोस्टें हैं उन पर बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी की खबर है और इसीलिए जो है सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूचना ये है कि पाकिस्तानी रेंजर जो है वो आतंकियों को फायरिंग आकर जो है घुसपैठ करवाने की फिराक में है और उनका मकसद यहां पर सैन्य ठिकानों पर जो है फिदायिन हमले करना है और उसी के मद्देनजर जो है सीमा पर अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवानों को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और ये साफ निर्देश है कि कोई भी हरकत अगर सीमा पर दिखती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसे खत्म करना है। अनुज कुमार के साथ अजय सिंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सेना के बंकर में इंडिया न्यूज पहुंचा और वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाई। वहीं नौशेरा में सेना के बंकर के बाहर कैसे हालात हैं ये भी बता रहे हमारे संवाददाता अजय जांडियाल। सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजरों के साथ बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी है और ये मौजूदगी खासतौर पे हीरानगर सेक्टर के दूसरी तरफ का जो इलाका पड़ता है, रामगढ़ और आरएसपुरा सेक्टर जो के सामने का जो सियालकोट का इलाका है उनमें है और इसी के मद्देनजर जो है सीमा पर जो है अलर्टनेस भी बढ़ाई गई है। आपको बता दूं बीएसएफ के जवान आप देखेंगे तो इसी तरह से हर वक्त जो है सरहद के ठीक दूसरी तरफ नजर रखे हुए हैं, खासतौर पर हीरानगर सेक्टर के सामने इलाका जो शकरपुर का पड़ता है या ठकर पहाड़ है ये इलाका जो पड़ता है, इसके अलावा रामगढ़ सेक्टर में चारवा और आसपास के जो गांव हैं यहां पर जो है आपको बता दूं पाकिस्तानी रेंजरों के साथ जो है आतंकियों की मौजूदगी की संभावना है और खासतौर पे पहाड़पुर का जो इलाका है वहां से घुसपैठ के प्रयास जो है कर सकते हैं और इसी इलाके से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी रेंजर घुसपैठ कर यहां पर एक फिदायन हमले के जो है वो ताक में है और इसी के मद्देनजर जो है सरहद पर जो है वो पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। आपको बताऊं इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार जो है वो घुसपैठ की कोशिशें जो है हो चुकी हैं, चाहे वो फेंस के जरिए हो या फिर टनल के जरिए। ऐसे में बीएसएफ के लिए चुनौतियां सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर और उसके साथ साथ आसमान पर भी हैं और उसी के मद्देनजर जो है सरहद पर चौकसी को जो है वो दुरुस्त किया गया है ताकि ना सिर्फ जमीन बल्कि जमीन अंडरग्राउंड या टनल के जरिए या फिर आसमान से भी कोई अगर घुसपैठ की प्रयास करता है तो उसे नाकाम बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा सीधे तौर पे 370 हटने के बाद यहां जो सुरक्षा बल हैं और खासतौर पे जो मौजूदा मुख्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना है और इसी के मद्देनजर आप देखेंगे बीएसएफ के जवान हर वक्त जो है सरहद के ठीक दूसरी तरफ होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो ठीक सामने जो इलाका पड़ता है इस पूरे इलाके में घने पेड़ों के बीच जो है जो जानकारी मिल रही है घने पेड़ों और इस फसल के बीच जो है बरसात के मौसम में आतंकी अपना ठिकाना बनाए रहते हैं और इस ताक में रहते हैं कि वो इस इलाके में कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवानों को निशाना बना सकें और फिर यहां से घुसपैठ कर सकें और उसी के मद्देनजर यहां पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से इंतजाम भी किए गए हैं। चाहे रात का अंधेरा क्यों ना हो बीएसएफ के जवान बिना पलकें झपकाए जो हैं वो इन इलाकों पर जो है कहीं ना कहीं नजर रखते हैं ताकि कोई भी अगर हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसे तुरंत जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसे नाकाम किया जा सके और यही मकसद है इन जवानों का कि सीधे तौर पर सरहद पर चौकसी को बरकरार रखना है ताकि देश की सरहदें और देश के लोग सुरक्षित रहें। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।